दोस्तों फिर हम बात करेंगे ओकिडाओ के ओकी टोकन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स करेंगे। करेंटली कॉइन 0.0292 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और वापस से एक बहुत अच्छे पॉजिटिव कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, प्रीवियसली एंट्री मिस की है, क्विक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वन स्टॉप पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.00292 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। कल से अभी तक इसकी प्राइस में 2-3% का डंप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल BTC क्रिप्टोकरेंसी मार्केट अभी वापस से अपने लोवेस्ट एरिया पर ट्रेड कर रहा है। जून मंथ के अंदर हमने जो जून स्टार्टिंग के अंदर जो डंप देखा था, बड़ा डंप देखा था, उसके बाद से लगभग सभी कॉइन्स में अच्छी रिकवरी हुई थी। 50%, 80%, 100% तक का मूवमेंट देखने को मिला था। BTC ने अच्छा खासा एरिया 31,800 वाला लेवल ट्राई किया था, उसके बाद से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। जुलाई मंथ के अंदर FOMC की मीटिंग हुई, इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिला, उसकी वजह से मार्केट अंडर प्रेशर था और उसकी वजह से अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। BTC ने 28,800 वाला लो बनाया, उसके बाद कल BTC ने 28,500 वाला वापस नया लो बनाया। तो अभी BTC 29,200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है नाइट के टाइम में। आज नाइट के टाइम में भी एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई थी जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को मिला। BTC ने वापस 29,000 से नीचे वाला एरिया ट्राई किया। बिनांस जो है उस पर US की तरफ से एलिगेशन लगाई गई है कि बिनांस जो है वो फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन जब जब इस टाइप का प्रेशर देखने को मिलता है, मैं आपको हर बार कहता हूँ, मार्केट में महीने के अंदर एक से दो बार ऐसा लेवल आपको मिल ही जाता है जिस लेवल पर आने के बाद, जिस लेवल से कॉइंस में ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं या फिर मार्केट वहाँ से रिकवर करता है। क्योंकि एक लेवल रहता है जहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, अच्छा खासे बायस रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस का की बाइंग रहती है, हैवी वॉल्यूम वहाँ पर बाइंग का देखने को मिलता है और उस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जैसे इस कॉइन में बात करें तो प्रीवियसली जो जून मंथ का लो था वहाँ पर 2-1 वाला लो बनाया था, रिकवरी देखने को मिली, अच्छी रिकवरी थी, 100% तक का ब्रेकआउट देखने को मिला और उस टाइम पर भी हमने इस कॉइन में एंट्री ली थी, ऑलमोस्ट 3-0 के अराउंड और 2-8 के अराउंड एंट्री ली थी। हालांकि वहाँ से थोड़ा डंप था लेकिन उस लेवल पर एंट्री लेकर हमने ये जो ब्रेकआउट है 4-1 वाला इसको ग्रैब किया। हालांकि ओकी टोकन की अगर हम बात करें तो पिछले 2022 के अंदर और 2023 के अंदर हमने इस कॉइन में ऑलमोस्ट हर महीने एक से दो बार प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि इस कॉइन के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं, मूवमेंट देखने को मिलता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो इस कॉइन में इजीली 20%, 40% के मूवमेंट्स होते रहते हैं और जो इस टाइप के मूवमेंट्स हैं उनको हम हर बार ग्रेप करते हैं। एक लेवल रहता है जिस लेवल पर हम आपको एंट्री शेयर करते हैं और जो भी हमारे रेगुलर जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमसे पिछले 1-2 साल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने उस टाइम पर जून मंथ के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया, फिर वापस थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ पर ये जो लेवल था ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट एरिया इस कॉइन के लिए। अगर बात करें तो 0.0025 वाला सपोर्ट एरिया, 30 वाला था लेकिन 30 को ब्रेक कर दिया था तो 25 वाला सपोर्ट एरिया था, तो वहाँ तक तो उसने टेस्ट नहीं किया। फिर यहाँ से वापस हमें ब्रेकआउट के चांसेस दिख रहे थे कि मतलब 10% का, तो इसमें आप कह सकते हैं कि एक से दो दिन में रेगुलर ब्रेकआउट होता है। आप ये कैंडल्स अगर देखेंगे तो कैंडल्स जो है वो कंसिस्टेंसी या तो डाउन नहीं है या अप नहीं है, सिर्फ एक लेवल को मेंटेन किया, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ 10%, 15% का, फिर डंप, फिर उसी लेवल पर मेंटेन, फिर वहाँ से मूवमेंट देखने को मिला। अगर मार्केट में बड़ा डंप देखने को मिलता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है या कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से ज़रूर ये हमने डंप देखा था इस कॉइन के अंदर, तो यहाँ से चांसेस बन रहे थे। फिर हमने आपको वापस एंट्री शेयर की थी 7th of July को, ऑलमोस्ट 0.00274 के अराउंड में, और 274 के अराउंड में आपने एंट्री ली और वापस इस कॉइन में ब्रेकआउट देखने को मिला 15th of July को, यानी आज से
15-18 दिन पहले, और इस कॉइन ने 3.9 वाला एरिया ट्राई किया, जिसमें हमने जो आपके ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के टारगेट बताए थे 3.3 और 3.55 दोनों हिट हुए, शॉर्ट टर्म का 3.8 वाला टारगेट बताया था वो भी हिट हुआ, यानी कि हमने जुलाई मंथ के अंदर दो बार प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पर ये जुलाई के स्टार्टिंग में ब्रेकआउट हुआ था और फिर 15 जुलाई को ब्रेकआउट हुआ, जुलाई मंथ के अंदर हमने दो बार इस कॉइन के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया। अगस्त मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है और वापस अच्छे लेवल पर ये कॉइन आ गया है। यहाँ से अगर देखें तो 3-4 दिनों से रेड कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल बड़े डंप्स नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स हैं और एक अच्छा सपोर्ट एरिया जो कि इस कॉइन के लिए 3.0 वाला है, उससे ऊपर ऑलमोस्ट उसके अराउंड ट्रेड कर रहा है। डेली क्लोजिंग अगर अभी ये अगर 3.0 को ट्राई करता है तो इजीली उसको ब्रेक कर देगा। 3.0 अभी रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा तो वहाँ इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रिजेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल रिजेक्शन देखने को मिलेगा जिसको ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। नीचे की तरफ 2.5 सपोर्ट एरिया है जिसको ये ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि BTC अभी भी अपने 29,000 वाले एरिया को होल्ड किए हुए हैं। 29,000 से नीचे क्लोज करेगा अगर डेली क्लोजिंग तो फिर रेजिस्टेंस एरिया फेस करने को मिलेगा उसके लिए 29,200-100 के अराउंड में, तो ये एक अच्छा एरिया है। और यहाँ से ये नॉर्मली 3-3 को तो ट्राई कर लेगा, यानी कि आपको 12-15% का इंस्टेंट प्रॉफिट तो एक दो दिन में ही दे देगा, और आपको अगर 30% या 40% प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको 8-10 डेज का वेट करना होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 15 अगस्त से पहले ये कॉइन वापस 3.7 से लेके 4.0 को ट्राई कर लेगा। तो इस टाइप से आपको अपने जो टारगेट्स वगैरह वो सेट कर लेने हैं, बाकी मैं टारगेट्स अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। तो ये इसके इससे रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस होगा कि आपने किस टाइप से इसमें प्रॉफिट जनरेट करना है या फिर आपके इसमें कितने चांसेस है ब्रेकआउट के। एंट्री 0.02924 पर ट्रेड कर रहा है, 2 पर आपको एंट्री लेनी है, यानी कि ऑलमोस्ट करेंट प्राइस पर ही एंट्री लेनी है। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन और होता है, प्राइस ड्रॉप होती है, तो आपको सेकंड बाइंग 0.00275 पर बाकी जो 30% पार्ट हम बचा रहे हैं उसकी लगा लेनी है। इस टाइप से 70-30 के रेशो में आपको एंट्री लेनी है। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में जितने टाइम रहना चाहते हैं उतने टाइम रह सकते हैं और अपनी कैपिटल को इनक्रीज कर सकते हैं, डबल 2x, 3x, 4x, 10x तक करते जाएंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे उनके लिए 0.0035 वाला टारगेट रहेगा, जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 5-10 डेज का, वो 3.5 वाले लेवल पर 60% और 0.0037 वाले लेवल पर बाकी 40% पार्ट अलाउड करेंगे। जो इंस्टेंट प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो 10-12%, 15% का, वो उतना जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट है उस बेसिस पर लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं, जो एंड ऑफ अगस्त तक यानी मंथली बेसिस के बेस पर 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, उनके लिए 0.040 वाला लेवल टारगेट रहेगा, जहां पर आपको अपनी 100% पार्ट की सेल लिमिट लगा देनी है। और लॉन्ग टर्म में भी आपका एक अच्छा लेवल है, लॉन्ग टर्म में भी आपकी एक अच्छी एंट्री रहेगी, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी इस कॉइन में आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, अच्छा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, उनको खुद से ट्रेड नहीं करना है या मार्केट में इमोशनल होकर, जैसे कोई हम कहते हैं कि इस कॉइन में ही हमें एंट्री लेनी है, इस कॉइन में ही हमें आपको सिग्नल चाहिए, तो किसी भी कॉइन से इमोशनली अटैच नहीं होना है और मार्केट में इमोशनल होकर तो ट्रेड नहीं करना है। और अगर आप नए हैं तो फिर खुद से तो ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी कैपिटल गंवा देंगे। इसके लिए हमने प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, सिग्नल शेयर की जाएंगे, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बायर से खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।